दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अनन्या क्रिएशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेल्स ऑर्डर मंथली रिपोर्ट निकालने का जो नया तरीका आया है उसी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है उनसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहले क्या सिस्टम था सेल्स ऑर्डर निकालने के लिए, सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करना पड़ रहा था हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पर सेल्स ऑर्डर सर्च करना होता, उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीटेड सेल्स ऑर्डर और ऑर्डर सब टाइप पर रिफिल ऑर्डर ये देना पड़ता था। उसके बाद पहले सिस्टम जो था, मान लीजिए मैंने फेब्रुआरी का रिपोर्ट निकालूंगा, तो पहले ये सिस्टम था कि फेब्रुआरी का एक तारीख से मार्च का एक तारीख तक आप अगर सिलेक्ट करके गो कर देंगे कर देते तो ये रिपोर्ट यहाँ पे निकल जाता था। लेकिन दोस्तों आप देखिए ये सिस्टम चेंज हो गया है। मैंने ये डेट सिलेक्ट की है 1 फरवरी टू 1 मार्च, तो यहाँ पे एक पॉपअप एरर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द डिलीवरी फ्रॉम डेट एंड डिलीवरी टिल डेट इज मोर देन 15 डेज। दोस्तों 15 दिन तक आप सिलेक्ट कर पाएंगे रिपोर्ट को निकालने के लिए। तो दोस्तों ये सिस्टम जो है पहले भी था, 1 फरवरी से 1 मार्च तक आप अगर रिपोर्ट निकालना चाहेंगे तो 1 फरवरी से 28 फरवरी का रिपोर्ट निकलेगा। आप अगर एक महीने का एक तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख को सिलेक्ट करेंगे तो एक दिन का रिपोर्ट नहीं निकलेगा। तो दोस्तों कैसे इस 15 डेज को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 20 फरवरी मंथ 28 डेज है फरवरी मंथ का, इसलिए इस महीने में दो बार ही आप रिपोर्ट को निकाल पाएंगे। लेकिन और जो महीना है 31 डेज का 31 डेज का उस महीने में आपको तीनों पार्ट में रिपोर्ट को निकालना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देख सकते हो 1 फरवरी तक 15 फरवरी आप अगर सिलेक्ट करेंगे 1 फरवरी से 15 फरवरी तो आपको रिपोर्ट आएगा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक। और आप अगर ये हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड आपको क्या करना है 15 फरवरी से 1 मार्च तक सिलेक्ट करना है, तो आप लोग को क्या कौन सा डेट का रिपोर्ट मिलेगा 15 फरवरी से 28 फरवरी। तो इस रिपोर्ट को पहले हम मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा निकल के। तो आइए मैंने दो ब्राउज़र ओपन की है, क्रोम ब्राउज़र पर चले जाते हैं, कंप्लीट सेल्स ऑर्डर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर स्टेटस, कंप्लीटेड ऑर्डर सब स्टेटस सेल्स ऑर्डर, और यहाँ पे रिफिल ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो बताया था 1 फरवरी से 15 फरवरी डेट हम लोग को सिलेक्ट करना है, 1 फरवरी से 15 फरवरी, क्योंकि ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट कर लेंगे, आइए रिकॉर्ड काउंट कर लेते हैं। देख सकते हो 3867 इस 15 दिन का रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है। तो इसको रिपोर्ट बटन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये टाइम लगता है, हर वक्त ये क्विक नहीं होता है, तो ये घूमते घूमते एक समय आता है एरर हो जाता है, तब आप पेज को रिफ्रेश कर देना है और 5-7 मिनट रुकना है। रुकने के बाद रिपोर्ट अगर चेक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये तो मैंने जो पहला ऑप्शन था वो सिलेक्ट कर ली है 1 फरवरी टू 15 फरवरी, तो मेरा रिपोर्ट निकलेगा 1 फरवरी टू 14 फरवरी। ओके, अब दूसरा ब्राउज़र पर चले जाइए, मैंने फायरफॉक्स ओपन कर ली है, यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है 15 फरवरी टू 1 मार्च, आइए सिलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीटेड सिलेक्ट कर ली है, सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट कर ली है और रिफिल ऑर्डर। अब चाहे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑर्डर, एफटीएल ऑर्डर और एनएफआर सेल्स भी निकल सकते हैं। ओके, तो मैंने 15 फरवरी से, क्योंकि ये फरवरी मंथ का 28 डे है इसलिए ये हो पाया, दो
दो बार में ये रिपोर्ट निकल गया। लेकिन अगर किसी महीने का 30 दिन या 31 दिन होगा तो वो रिपोर्ट निकालने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए रिपोर्ट को 3 पार्ट में आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया था, पहले वाला जो सिलेक्ट किया था वो 15 फरवरी से 1 मार्च को सिलेक्ट करेंगे दूसरा रिपोर्ट निकालने के लिए। फरवरी महीना का सिर्फ आप 2 पार्ट में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बाकी जो महीना आएगा आपको 3 पार्ट में रिपोर्ट निकालना होगा। तो आइए इसको काउंट कर लेते हैं, 3417 रुपये। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट बटन पर क्लिक किया और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। दोस्तों ये घूमता रहेगा क्योंकि हर वक्त ये क्विक रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होता, ये डाउनलोड होते रहे। हम लोग बात करें जिस महीने में 30 डेज या 31 डेज रहेगा उस महीने का कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, 1 मार्च से 11 मार्च आप अगर, मैंने आप लोगों को जो दिखाया ये 10 डेज 10 डेज करके दिखाया, 10 10 10 10 10 11, ये पार्ट पार्ट में आप अगर लेंगे तो ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 10 या 11 दिन। ओके, तो आप अगर 1 मार्च से 11 मार्च सिलेक्ट करेंगे डेट को, तो आपको 1 मार्च से 10 मार्च को का रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद 10 मार्च से 21 मार्च सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टू टिल डेट, तो आपको 11 मार्च से 20 मार्च का रिपोर्ट निकलेगा। 21 मार्च से 1 अप्रैल तक आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये 30 दिन होगा या 31 दिन होगा, जो भी होगा ये 10 दिन हो या 11 दिन हो, इस दिन का रिपोर्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो शायद आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। और एक बार समझने की कोशिश अगर करेंगे आप तो शायद समझ पाओगे, समझ जाएंगे। ये इतना भी क्रिटिकल मैटर नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं आप जो डेट सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने 1 मार्च से 11 मार्च बोला सिलेक्ट करने के लिए, तो 1 मार्च से 11 मार्च का रिपोर्ट नहीं निकलेगा, एक दिन का रिपोर्ट छूट जाएगा आपसे। ये आप करके भी देखा होगा पहले, तो 1 मार्च से 10 मार्च तक आपका रिपोर्ट आएगा। इस फॉर्मूला को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आसानी से मंथली सेल्स रिपोर्ट आपको डाउनलोड करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगा। देख सकते हो ये टाइम आउट हो गया है, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बार किया था वो तो इरर हो गया, ये जो तीनों रिपोर्ट मैंने दो बार दो रिपोर्ट निकालने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार सबमिट करते ही साथ साथ इरर हो गया था, इसलिए नहीं हो पाया। शायद ये वाला और ये वाला होगा, तो हम 10 मिनट बाद में देखेंगे। आइए दोस्तों, तब तक इंतज़ार करते हैं, अब देखते हैं ये डाउनलोड हुआ कि नहीं, जो रिपोर्ट मैंने SDMS में निकालने की प्रयास की पहले। आइए रिपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं, माय रिपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये जो मिडिल वाला मैंने रिपोर्ट्स डाउनलोड करने की कोशिश किया था ये फेल हो गया था, और देखिए ये पहला वाला है, इसको डाउनलोड करके आप लोगों को डेट भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये मैंने पहले क्या सिलेक्ट किया था, फ्रॉम 1/2/2023, 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 को 23 का डेट मैंने सिलेक्ट किया था, तो रिपोर्ट निकला है 1 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये दूसरी बार जब मैंने रिपोर्ट निकालने की कोशिश किया था 15 फरवरी से 1 मार्च को, तो देख सकते हो 15 फरवरी से 1 मार्च को मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन रिपोर्ट निकला है 15 फरवरी से 28 मार्च। दोस्तों इस तरह आप अगर रिपोर्ट को निकालेंगे तो ये सही रिपोर्ट निकलेगा,
और दोस्तों पहले जो सिस्टम था वो बंद हो गया है, तो यहाँ से हम लोगों ने 14.2 केजी, 5 केजी एंड 19 केजी का रिपोर्ट अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को 14.2 केजी का रिपोर्ट फाइनल करने के लिए ये फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट का कैलकुलेशन करके आप लोगों को टोटल फिगर निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको सिंपल सा यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो 14.2 केजी का 3381 इस महीने का, और इस महीने का आइए 3820 प्लस करते हैं 3820 7201, ये हो गया फेब्रुआरी मंथ का सेल्स रिपोर्ट 14.2 केजी रिफिल सेल का। इस तरह आप 14.2 केजी का निकल गया। देखिए इस ये सिस्टम है, ये रिफिल ऑर्डर निकला है। इस ऐसे ही आप जो इंस्टॉलेशन ऑर्डर है, NFR सेल्स ऑर्डर है, सबको निकल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।